Hello kids, good morning. Today we will learn about use of this and that. Okay kids, so let us start kids. We use this for our things which is near to us and we us that for our things which is far from us. Okay kids, आपने देखा this का use कहाँ होगा and that का use कहाँ होगा वो आपको देखना है. Okay kids, so हम देखेंगे कि this हमें कहाँ use करना है, that हमें कहाँ use करना है. Okay, let's see some example where this and that are used. Okay, so आपके यहाँ देखो pictures के साथ कुछ sentence दे रखे हैं, तो हम उनको read करेंगे और हम देखेंगे कि this और that का use हमने कैसे किया है. This is a bangle. ये पिक्चर शो हो रही है और एक गर्ल है, गर्ल के पास में बैंगल है, तो हमने दिस का यूज़ किया. अभी मैंने आपको बताया था कि दिस का यूज़ नियर मतलब पास के लिए करते हैं और दैट का यूज़ दूर के लिए करते हैं. ओके, सेकंड आपका सेंटेंस है दैट इज़ अ नेकलेस. एक बॉय है एंड नेकलेस है, आपको दिख रहा है कि बॉय से नेकलेस दूर है, तो हमारा दूर के लिए दैट यूज़ हो गया. ओके, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दिस इज़ अ बुक. This is a book. Boy के पास book है, वो बता रहा है this is a book. This का use किया है क्योंकि boy के पास book है. Next, that is an aeroplane. Boy एक girl है and उसको aeroplane दिखाई दे रहा है मगर वो उससे दूर है, तो इसलिए यहाँ पे that का use किया गया है. Next, this is an apple. This का use क्यों किया गया है, क्योंकि girl के पास apple है, पास में है उसके, इसलिए यहाँ पे this का use किया गया है. Next, that is a tree. ये boy है वो tree के बारे में बता रहा है, tree उससे दूर है, इसलिए यहाँ पे that का use हुआ है. Okay kids, that is clear. आप लोगों ने देखा this and that का use हमने आज क्लियर करा है. This का use near के लिए होता है, that का use far के लिए होता है. Near means पास और far means दूर. अगर कोई भी things आपके पास है तो दिस आएगा और आपसे दूर है तो दैट आएगा. ओके किड्स,